राम जब मुझसे दूर गया मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरे तन से प्राण निकाल लिए। और वो मैया के कही, क्या राम जी का अनभल सोचेगी? हम सोच भी कैसे सकते हैं कि मेरी वो माँ कुछ ऐसा सोच सकती है। राम जी छोटे से थे, माँ के कई अयोध्या के महल के सीढ़ियों पर बैठी थी। राम जी आए, पीछे से हाथ लगाया, माँ के कई के नेत्र बंद कर लिया। माँ बता मैं कौन हूँ? मैया कह कही तो राम जी को उनके उनके खुशबू से पहचान जाती थी, लेकिन आज खेल खेलते हुए कहा, मैं जानती हूँ मेरा लक्ष्मण आया है। राम जी ने आवाज बदल कर कहा, सच सच बता माँ कौन हूँ मैं? तू पहचान गई है मुझे, सच बता कौन हूँ? इतना सुनते ही लक्ष्मण भैया कहने, राम जी ने जब पूछा, माँ कह कही कहने लगी, मैं जानती हूँ मेरा लक्ष्मण ही है। मेरा लखन लाला आया है। राम जी ने कहा, माँ तू हार गई, मैं जीत गया। और गोद में आकर कूद कर बैठे राम लला, अपने हाथ से माँ के कई दूध भात खिला रही है। राम जी मैया के कई से कहा, माँ तू हार गई है, मैं जीता हूँ, मैं जो मांगूंगा तुझे देना पड़ेगा। बोलना पुत्र क्या चाहिए? प्राण भी मांगे ना राम तो मैं दे दूंगी। राम जी कहते हैं, माँ पहले ये बता तुम उससे प्रेम कितना करती है, कितना प्रेम करती है? माँ के कई हंस कर कहती हैं, अरे पगले ये भी कोई पूछने की बात है? तेरी कह के मैया तो तेरे लिए प्राण दे सकती है ना। राम जी कहते हैं, माँ प्राण नहीं चाहिए, प्राण जाने में एक बार की पीड़ा होती है। माँ तुझसे कुछ मांगूंगा, पर जानती है माँ ये अगर मैंने तुझसे मांग लिया ना माँ, संसार में तुझे बड़ा अपयश मिलेगा। मैया केकई ने कहा, पुत्र अगर तेरी प्रसन्नता है तो केकई पूरे संसार में अपयश भोगने को तैयार है। राम जी ने कहा, माँ इतना ही नहीं, तेरी मांग का सिंदूर मिट जाएगा। माँ मैया के कही के नेत्र सजल हो गए, बोला, राघव एक बात बताओ, आप मुझसे प्रेम करोगे कि नहीं? अवश्य करूंगा। मैया के कही ने कहा, अगर आपकी प्रसन्नता है ना रघुनंदन, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, मुझे ये भी स्वीकार है। अगर मेरी मांग का सिंदूर मिटे, मुझे ये भी स्वीकार। राघव जी ने कहा, माँ एक और बात सुन, तेरा भरत तुझे कभी माँ नहीं कहेगा, भरत कभी तुझे माँ नहीं मानेगा, तुझे जीवन में कभी माँ कहकर नहीं बुलाएगा, तेरा भरत तेरा त्याग कर देगा। माँ बोल अब मांगेगी? मैया के कई ने आंसू भर कर कहा, राम एक बात बताओ, तुम मुझे माँ कहोगे कि नहीं कहोगे? राम जी ने कहा, माँ पूरा संसार मैं छोड़ सकता हूँ, पर अपनी माँ के कई को मैं नहीं छोड़ सकता। मैया के कई कहती है, बस मुझे कोई परवाह नहीं, अगर पूरा जगत का मालिक मुझे माँ कहेगा तो एक भरत के माँ ना कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैया के कई से राघव जी कहते हैं, माँ संसार की कोई माँ कभी अपनी बेटी का नाम केकेई नहीं रखेगी। मैया केकेई कहती है, वो भी मंजूर है। हर परिस्थिति में माँ केकेई ने जब हाँ कहा और राम जी को वचन दिया, राम जी ने वो बात कही, माँ तुझे मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास निश्चित करना हो। आज वो पल आया, भरत जी पूछते हैं, माँ बात बता, भैया कहाँ थे जो पिताजी उनको याद करते रह गए? मैया के कई जानती है, अरे के कई तू ये बात बोलेगी इसके बाद तेरा भरत तुझे जीवन भर माँ नहीं कहे। तेरा भरत माँ कहना तो दूर, कभी तेरा मुख तक नहीं देखेगा के कई।
राम जी का राज्य अभिषेक हुआ, त्रैलोक के आनंद से भरा था। माँ के कई एक कोने में बैठकर रो रही थी। माँ की ये स्थिति देखकर राम जी कहते हैं, माँ सारा संसार प्रसन्न है, तू क्यों रोती है, अब क्यों रोती है माँ। मैया के कई उस दिन कहती है, राम मुझे सबने क्षमा कर दिया पुत्र, पर मेरे भरत ने मुझे आज तक क्षमा नहीं की। 14 साल बीत गए रघुनंदन, मैंने अपने भरत के मुख से कभी राम नहीं सुना अपने मुख। मेरा भरत मुझे माँ कहना बंद कर चुका है, बता मैं कैसे सह पाऊं। राम जी ने कहा, माँ तू चिंता मत कर, मुझे मेरे भरत पर विश्वास है। मैं अपने भरत से कहूंगा ना तो मेरा भरत कभी मेरी बात नहीं टालेगा। भरत जी के पास राम जी गए, कहा, भरत भैया आज अगर आपका ये बड़ा भाई आपसे कुछ मांगे तो क्या दोगे। भैया भरत ने कहा, प्रभु अगर ये भरत के तन की चमड़ी भी आपको चाहिए ना तो एक बार आदेश करना, एक पल में निकाल कर आपके चरणों में डाल दूंगा। बस प्रभु इस दास पर एक कृपा करना, मुझसे ये मत कहना कि मैं कैकेयी को माँ कहूँ, बाकी जो मांगना चाहो प्राण मांगो, मैं प्राण देने को तैयार हूँ। मैया कैकेयी ने वो त्याग किया है। जैसे ही वर की बात बताई, भैया भरत वहां से मैया कैकेयी को बहुत सारे कटु शब्द बोले, वहां से सीधा माँ कौशल्या के भवन में चले गए। वहां जाकर भैया भरत ने बहुत विलाप किया, बहुत रोए हैं। माँ सत्य कहता हूं, ये जो भी रचना कैकेयी ने रची इसमें मेरा कोई योगदान नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। माँ मैया कौशल्या ने भरत जी को समझाया, जितनी भी प्रकार की विधियां बताई गई हैं समस्त शास्त्रोक्त विधियों से श्री दशरथ जी की अंत्येष्टि संपन्न हुई। सारी अयोध्या का समाज जुटा, राजसभा तैयार हुई। भरत जी से हर कोई आज कह रहा है राजा बन जाओ। भरत जी महाराज ने हाथ जोड़कर गुरुदेव से कहा, मेरे हृदय में राम जी के विरह की अग्नि जल रही है और जब तक मैं जाकर राघव जी के दर्शन नहीं करूंगा गुरुदेव, मेरे हृदय की यह अग्नि बुझने वाली नहीं। मैं कल प्रातः काल ही जाऊंगा चित्रकूट के लिए, जहां पर मेरे भैया हैं मैं कल यहां से प्रस्थान करूंगा। जो मेरे साथ चलना चाहे वो चले, पर मेरा यह अब अचल निर्णय है कि मैं जाऊंगा भैया को वापस लाने। सारी तैयारियां हुई, सभी अयोध्यापुर वासी माताएं चतुरंगणी सेना राज्याभिषेक की सामग्री सभी सुसज्जित होकर चल पड़े। श्रृंगवेरपुर जब पहुंचे, निषाद राज से भेंट हुई। निषाद राज जी ने वह स्थान दिखाया जहां प्रभु ने विश्राम लिया था। उसके उपरांत जब कहते हैं तीर्थराज प्रयाग में जब भैया भरत पहुंचे हैं, हाथ जोड़ करके आज तीर्थराज के समक्ष खड़े हैं। सकल काम प्रद तीर्थ राव, सुना है आप सब कुछ देते हैं, आज मैं भी आपके समक्ष कुछ मांगने आया हूं। हमारे यहां ना हमारे यहां मांगने की परंपरा नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि विपत्ति आने पर मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता। भैया भरत ने जब हाथ जोड़कर कहा कुछ मांगने आया हूं, उधर से आवाज आई त्रिवेणी संगम से, क्या दूं भरत जी आप बताइए, अर्थ धर्म काम मोक्ष सब मेरे पास भरा हुआ है, जो चाहे ले लीजिए। भरत जी हाथ जोड़कर कहते हैं, अर्थ नहीं चाहिए, अर्थ के ही वजह से तो आज अयोध्या में इतना बड़ा अनर्थ हो गया। धर्म भी नहीं चाहिए, धर्म की बात करते करते पिताजी स्वर्ग चले गए, धर्म का पालन करते करते भैया वन चले गए, मेरा परिवार टूट गया।
काम भी नहीं चाहिए, कामना थी कह गई के हृदय में मुझे राजा बनाने की। देखो कैसे भरत भिखारी बना द्वार पर खड़ा है। मैं सगुण उपासक हूँ और सगुण उपासक कभी मोक्ष की कामना नहीं करता, मुझे ये भी नहीं चाहिए। आज त्रिवेणी संगम में यह मन में यह भयभीत है माँ कि क्या दूंगी फिर मैं भरत को, अगर ये मांगेंगे मेरे पास अर्थ धर्म काम मोक्ष के सिवा कुछ नहीं है, क्या प्रदान करूं। भरत जी ने हाथ जोड़कर तब तक कहा, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान ना, बस राम जी के चरणों का प्रेम मुझे दे दो माँ और कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने अभी आपसे प्रारंभ में निवेदन किया, भक्त जो भगवान को अपना मानता है वो जीवन में प्रेम से अधिक कुछ चाहता भी नहीं है, और जिसने भी भगवान पर विश्वास किया है ऐसा कभी नहीं हुआ है भगवान ने उसकी लाज ना बचाई। जिसने भी विश्वास के साथ, और एक बात, हम आप अपने जीवन के अल्प से दुख को देख कर कहते हैं हम बड़े दुखी हैं, किसी भक्त के जीवन को उठाकर देखिएगा क्या उनके जितना दुख हमारी जिंदगी में है क्या।